प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मार्च और अप्रैल के महीने में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, दोपहर तक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। इसके साथ ये भी पता चल जाएगा कि अगले 5 साल के लिए पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में किस पार्टी का शासन होगा। तो आइए जानते हैं अब तक के रुझानों में कौन कहां से लीड करता हुआ दिख रहा है। असम में बीजेपी की एक बार फिर सत्ता में वापसी के आसार दिख रहे हैं। अभी तक के रुझानों के अनुसार यहां एनडीए को बहुमत मिल गया है। सुबह 11 बजे तक की बात करें तो कांग्रेस को 40, बीजेपी को 81 सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं बात केरल की करें तो केरल के रुझानों में सत्ताधारी एलडीएफ बहुमत की ओर बढ़ चुकी है। एलडीएफ को 88, यूडीएफ को 47, बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। वहीं बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु की 234 सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं, जिसमें AIADMK को 91, DMK को 139 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं बात पुदुचेरी की करें तो पुदुचेरी में वोटों की गिनती जारी है। यहां एनडीए को 10, यूपीए को 3 तथा दूसरे अन्य दलों को 1 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।